बांक। राधा की सौतेली माँ कमला देवी बहुत ही जालिम औरत थी। वह हमेशा राधा पर अत्याचार करके उसे दुख देती थी। फिर एक दिन कमला राधा को जंगल से फल तोड़कर लाने के लिए कहती है। राधा फल तोड़ने जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है। वह राक्षस मजे से फल खा रहा था। इतने डरावने राक्षस को देख राधा घबरा कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागते हुए वह एक शेर से जा टकराती है। आज तो मेरा शिकार मेरे पास चलकर आ गया। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी लड़की, मैं अभी तुझे मार कर खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये मैं कहाँ फंस गई? अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। लेकिन जैसे ही शेर राधा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वह राक्षस आ जाता है। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। अब ये शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओह नो। इतना कहकर राक्षस शेर की पूंछ पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। उसके बाद राक्षस शेर के मुंह पर एक जोरदार घूसा मार देता है। राक्षस से मार खाकर शेर रोने लगता है। नहीं नहीं, मुझे और मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं आज के बाद कभी किसी इंसान को परेशान नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। चल भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद शेर डर के वहाँ से भाग निकलता है। तुम कौन हो बेटी और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरी सौतेली माँ ने मुझे ढेर सारे फल तोड़कर लाने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ फल तोड़ने आई हूँ। यह सुनते ही राक्षस अपनी शक्ति से वह एक बहुत बड़ी टोकरी प्रकट कर देता है। उसके बाद आसपास के पेड़ों पर मौजूद फल अपने आप टूट कर टोकरी में गिरने लगते हैं। देखते ही देखते वह टोकरी पूरी तरह फलों से भर जाती है। चलो बेटी, तुम इस टोकरी के ऊपर बैठ जाओ। राक्षस के इतना कहते ही राधा फलों से भरी टोकरी के ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद राक्षस उस टोकरी को अपने सिर पर उठा लेता है और हवा में उड़ता हुआ राधा को उसके घर पहुंचा देता है। अच्छा बेटी, अब मैं जा रहा हूँ। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसो तो मुझे आवाज दे देना, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर राक्षस हवा में उड़कर गायब हो जाता है। तभी वहाँ राधा की सौतेली माँ कमला आ जाती है। अपने घर के सामने विशाल फलों से भरी टोकरी देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद लालची कमला वह सारे फल बाजार में बेचने लगती है। फिर शाम तक वह बहुत सारे पैसे कमा लेती है। सुन राधा, कल फलों को बेचकर मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। चल अब तू फिर से जंगल में जाकर ढेर सारे फल ले आ। कमला की बात सुनकर राधा फिर से जंगल फल लेने पहुंच जाती है। उसके बाद राक्षस राधा को फिर से फलों से भरी एक टोकरी दे देता है। राधा फलों से भरी टोकरी घर लाकर कमला को दे देती है और कमला फिर से बाजार जाकर उन सारे फलों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है। इस तरह धीरे धीरे यह रोज की बात हो जाती है। राधा रोज जंगल से राक्षस के पास से ढेर सारे फल लाकर कमला को देने लगती है और कमला फलों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है। फिर एक दिन, माँ मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए। इतने सालों से मैं वही पुराने कपड़े पहन रही हूँ। यह सुनकर कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे पैसे कैसे मांग लिए? ठहर जा, मैं अभी तेरी हड्डी पसली एक कर देती हूँ। इतना कहकर कमला अपनी सैंडल उतार कर राधा को मारने लगती है। खबरदार, अगर दोबारा तूने मुझसे पैसे मांगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद राधा रोती हुई घर के बाहर चली जाती है। तभी उसके पास राक्षस आ जाता है।
क्या हुआ बेटी, आज तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, मेरी सौतेली माँ बहुत लालची है। फल बेचकर रोज उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो मुझे खर्च करने के लिए एक रुपए भी नहीं देती। अच्छा, तो ये बात है। चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद राक्षस अपने थैले से एक एप्पल निकालकर जमीन पर रख देता है और वह एप्पल एक बड़े घर में बदल जाता है। उसके बाद राक्षस वहां से चला जाता है। उस एप्पल घर को देख राधा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहां उसकी सौतेली माँ कमला आ जाती है। क्यों रे, ये एप्पल घर कहां से आ गया? ये एक जादुई एप्पल घर है, मुझे ये घर एक राक्षस ने दिया है। उस एप्पल घर को देख कमला के मन में लालच आ जाता है। ये राधा की बच्ची, चल भाग जा यहाँ से, आज से इस एप्पल घर में मैं रहूंगी। लेकिन तभी अचानक उस एप्पल घर के अंदर से ढेर सारे एप्पल बाहर निकलकर कमला के सिर पर गिरने लगते हैं। आ, आ, अरे मर गई रे, आ, अरे कोई बचाओ, आ, कोई बचाओ मुझे। तभी एक एप्पल कमला को पकड़ लेता है और उसे हवा में उड़ाकर दूर जंगल में छोड़ देता है। इस तरह कमला को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ राधा हंसी खुशी एप्पल घर में रहने लगती है।